सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, रात को बैटल ग्राउंड का कोई लड़ाई हो या फिर जंगल में कोई वाइल्ड लाइफ का सीन हो तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि हमारी आंखें वीक होती है, हम रात में चीजों को अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं नाइट विजन टेक्नोलॉजी और वहां पे हम यूज करते हैं नाइट विजन गगल्स। तो ये नाइट विजन गगल्स क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे इसी के बारे में बताऊंगा। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम इंसान जो है वो दिन में काम करने के लिए और रात को सोने के लिए बने होते हैं। हमारी आंखों में रेटिना होता है, वो जो रेटिना है उसमें कई सारे सेल्स होते हैं। बेसिकली रेटिना लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आंखों में, तो उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, जिनमें से एक सेल होता है जो है कोन्स। वो जो सेल्स है वो लाइट के कलर को ऑब्जर्व करते हैं, कोन्स जो होता है। और एक सेल होता है जिसको कि बोला जाता है रॉड्स। वो जो रॉड्स है वो मूवमेंट को और डिम लाइट को देखने के लिए वो बने होते हैं। तो रॉड्स जो होता है वो हमारी आंखों में, हमारी रेटिना में 20 गुना ज्यादा होते हैं कोन से, फिर भी हम रात में चीजों को अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं। तो वैसे अलग अलग क्रिएचर से अलग अलग क्रिएचर्स रात को जीते हैं। एक क्रिएचर है जिसको कि टर्शियर बोला जाता है। तो रात को जो क्रिएचर्स जीते हैं उनमें प्यूपिल्स बड़े होते हैं ताकि जो लाइट है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट उनके आंखों तक जा सके। तो टर्शियर नाम का एक क्रिएचर है, वो क्या होता है, उनकी आंखें रिलेटिवली बड़ी होती है साइज से, तो इसलिए वो रातों को चीजें जो है उनको अच्छी तरह देख सकते हैं। वैसे बिल्ली भी जो है ना, उनमें एक चीज होता है जिसको कि टेपिटम बोला जाता है। तो वो जो टेपिटम होता है वो मिरर की तरह ही होता है, तो लाइट उनमें जब गिरती है ना तो वो डबल रेट में वहां से रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो चीजों को रात को जो भी चीजें वो देखती है वो सही से देख सकती है और ब्राइट होके देख सकती है। मतलब वो जो चीजें वो देखती है बिल्ली, उसको हर चीज नजर आता है। तो बिल्ली की आंखों में जो चीज होता है ना टेपिडम, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद वो चीजों को अच्छी तरह देख सकता है। तो इसलिए जब भी आप बिल्ली के ऊपर कभी भी अगर लाइट गिराओगे तो देखोगे वो शाइन करेगा, मतलब कि वहां से लाइट एक मिरर की तरह ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो उनमें होता है, लेकिन हम इंसान में इनमें से कोई भी चीज होता नहीं है। तो हम इसलिए क्या करें, लाइट को बढ़ाने के लिए, रात को देखने के लिए हमको क्या करना होगा? तो इसलिए हमको एक ऐसा चीज बनाना होगा, ऐसा गगल बनाना होगा जिससे कि हम रात को देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना होगा, एक गगल ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो चीज हम देख रहे हैं वो कैप्चर होगा, उसके बाद वो चीज को उसके स्ट्रेंथ को बूस्ट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो इससे ही हम चीजों को ब्राइटर देख सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसा है, लाइट को किस तरह हम ब्राइट बना सकते हैं? अगर मैं टेलीस्कोप के बारे में बताऊं, अगर मैं आपको बाइनोकुलर्स के बारे में बताऊं, तो वो जो है वो चीजों को आपको फोकस कर सकते हैं, जो भी लाइट गिरती है उनके ऊपर वो फोकस करके आपके आंखों तक पहुंचा सकते हैं। अगर लाइट को घटाना है तो आप उसको कोई भी ग्लास में कोट करके या फिर उसको डार्क करके उसको कर सकते हो, उसके इंटेंसिटी को घटा सकते हो। लेकिन लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी के इंटेंसिटी को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है एम्पलीफायर के जरिए। आप ट्रांजिस्टर के जरिए वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि लाइट के इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या होगा अगर पहले लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के स्ट्रेंथ को बूस्ट किया जाएगा, फिर बूस्टेड इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फिर से लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली लाइट जो है उसकी स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ाया जाता है, उसके इंटेंसिटी को अल्टीमेटली बढ़ाया जा सकता है। तो इसी तरह ही गगल्स जो होते हैं वो गगल्स इसी तरह ही काम करते हैं, जो नाइट विजन गगल्स होते हैं। दोस्तों, रात को जो डिम लाइट होता है वो गगल्स के आगे वाले लेंस से, फ्रंट लेंस से वो एंटर करता है, और लाइट जो होता है वो फोटोन से बना होता है, हर कलर के फोटोन से बना होता है। फोटोन्स लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब फोटोन्स एंटर करते हैं वो आगे वाले लेंस से, वो फिर हिट करते हैं लाइट सेंसिटिव सरफेस पे। एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होगा जिसको कि फोटो कैथोड बोला जाता है, वो बिल्कुल सोलर पैनल की तरह ही होता है। वहां पे वो
हिट करते हैं तो वो फोटो कैथोड का काम यही होता है कि वो हर फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। फिर जो हर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो मल्टीप्लायर से एम्पलीफाइड होते हैं, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जो फोटो मल्टीप्लायर को हिट करता है वो क्या होता है, वहां से मल्टीप्लाई होता है, मतलब वहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन वहां पे मल्टीप्लाइड होता है, फिर वो जाके एक स्क्रीन पे हिट करता है। जब वो हिट करता है वहां पे लाइट के फ्लैशेस जनरेट होते हैं। तो क्योंकि जितने फोटॉन्स एंटर किए थे लेंस के थ्रू उससे कई ज्यादा बाहर निकले, इसलिए आपको वो जो सीन होता है वहां पे आपको ब्राइटर नजर आता है और आप चीजों को ब्राइटली देख सकते हो। लेकिन आप कई बार देखोगे जो आप देखते हो गगल्स में वो हर तरह ग्रीन ही ग्रीन होता है, मतलब आपको हरा नजर आएगा हर चीज, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो फोटॉन्स रात को भी हर तरह के कलर्स कैरी करते हैं, जो भी एंटर करता है ना वहां पे हर तरह के कलर्स को कैरी करते हैं। तो इसलिए जब वो एंटर होता है लेंस के थ्रू और जब वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को वो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको स्टोर करने के लिए कुछ भी उपाय नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट की तरह आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें जो है वो ग्रीन लाइट के साथ ज्यादा एक्वाइंटेड है तो इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट को ग्रीन लाइट में फिर से वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह हम हर चीज को हरा हमको दिखाई देता है। तो ये नाइट विजन गगल्स को इमेज इंटेंसिफायर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़े से लाइट को डिम लाइट को लेकर आपके सामने इंटेंसिफाई करके दिखाता है, इसलिए इसको इमेज इंटेंसिफायर्स भी बोलते हैं। लेकिन ये इमेज इंटेंसिफायर्स हर जगह पे नहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। सपोज कहीं पे आग लग गया है, वहां पे हर तरफ धुआं ही धुआं है, तो वहां पे आप नाइट विजन गगल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो वहां पे जो चीज इस्तेमाल होता है उसको थर्मल इमेजिंग बोला जाता है। तो वो बेसिकली जो इमेज होता है वहां पे लाइट के बदले हीट को देखा जाता है। तो बेसिकली सराउंडिंग में जो होता है, सराउंडिंग में जो चीज होता है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं, मतलब वो एक तरह के एनर्जी को एमिट करते हैं। तो वो जो चीज होता है वो बेसिकली एक डिजिटल कैमरा की तरह ही होता है। वो जो कैमरा होता है वहां पे जो सेंसर्स होते हैं CMOS सेंसर या फिर CCD, तो वो क्या करता है, वो इमेज के बदले मतलब लाइट के बदले आपके सामने हीट को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए जो जहां पे हॉटर ऑब्जेक्ट है वहां पे पता चल जाता है वो चीज। तो इसी से ही वो जो कैमरा होता है, जो थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है, वो इसी तरह ही काम करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया कि नाइट विजन क्या होता है, नाइट विजन गगल्स क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको पता चला है। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।